दुनिया भर के लगभग सभी देशों की खुफिया एजेंसी होती है। भारत की भी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ है। इस एजेंसी में काम करने वाले एजेंट्स की कोई पहचान नहीं होती है, लेकिन इनका जिक्र कहीं ना कहीं जरूर होता है और ये जिक्र रॉ एजेंट पर बनी शाहरुख खान की फिल्म पठान, सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर और इसी फिल्म का सिक्वल टाइगर जिंदा है जैसी कई फिल्मों में भी हो चुका है। इन फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे रॉ एजेंट काम करते हैं और देश को हर उस खतरे से बचाते हैं जो खतरा आने वाला है। तो आइए समझते हैं कि रॉ के गठन का क्या था मुख्य उद्देश्य। क्या जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है रॉ उसी तरह से काम करती है? नमस्ते, मैं रमन हूं और आप हैं मंच पर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। जो लोग अपना नाम पाना चाहते हैं उनके लिए ये फील्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो अपनी पहचान छिपा कर रखें, क्योंकि ये वो एजेंसी है जो पर्दे के पीछे रहकर देश की रक्षा करती है। रॉ में विदेशों में गुप्त रूप से तैनाती की जाती है। इन एजेंट्स की जानकारी बेहद ही खुफिया होती है, जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। रॉ के पूरे भारत में 10 फील्ड फॉर्मेशन है, जिन्हें विशेष ब्यूरो के रूप में जाना जाता है। दुनिया की सबसे तेज खुफिया एजेंसियों में से एक भारत की रॉ को IPS रवि सिन्हा के रूप में नया मुखिया मिल गया है। अमेरिका की CIA, इसराइल की मोसादा के बाद सबसे बेहतरीन नेटवर्क भारत की रॉ का ही माना जाता है। अब आपको बताते हैं रॉ का गठन कब और क्यों किया गया था। देश के अंतर्राष्ट्रीय खुफिया मामलों को संभालने के लिए रॉ को 21 सितंबर 1968 में स्थापित किया गया था। 1968 तक इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की आंतरिक और बाहरी खुफिया जानकारी जुटाने के लिए जिम्मेदार था, लेकिन 1962 के चीन भारत युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय IB ने जो भी खुफिया जानकारी इकट्ठा की उससे देश को उतना फायदा नहीं मिला था जितने की उम्मीद थी। फिर भी 11 जनवरी 1966 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को ये एहसास हुआ कि IB 1962 और 1965 के युद्धों में चीन और पाकिस्तान की तैयारियों का पूर्वानुमान लगाने में विफल रही थी। इसलिए 1968 में प्रधानमंत्री गांधी ने CIA अमेरिका और MI6 ब्रिटेन की तर्ज पर भारत में भी देश के बाहर के खुफिया मामलों के लिए एक एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ बनाने का फैसला किया। रामेश्वर नाथ काव को पहले डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। काव तब IB के सबसे सीनियर पद पर थे। RN काव की लीडरशिप में रॉ ने कई मिशन पूरे किए, जिसमें 1971 में बांग्लादेश का निर्माण, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की हार, 1975 में सिक्किम का विलय शामिल है। रॉ के डायरेक्टर की रिपोर्टिंग सीधे प्रधानमंत्री को होती है। खुफिया एजेंसी रॉ में भारतीय सेना, पुलिस और सिविल सेवाओं सहित भारत सरकार की कई शाखाओं के अधिकारी हैं। एजेंसी का प्राइमरी टास्क विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, देश के खिलाफ विदेशी साजिशों को नाकाम करना, इंडियन पॉलिसी को लेकर सलाह देना और भारत के विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना है। इस एजेंसी को देश के राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए सीक्रेट ऑपरेशन चलाने होते हैं। रॉ को भारत के परमाणु कार्यक्रम की सुरक्षा में भी शामिल किया गया है। खुफिया एजेंसी रॉ को पाकिस्तान, चीन सहित पड़ोसी देशों से खुफिया जानकारी जुटाने में महारत हासिल है। अब आपको बताते हैं रॉ का इतिहास। रॉ की शुरुआत 250 कर्मचारियों और 20 मिलियन के वार्षिक बजट के साथ मुख्य इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक विंग के रूप में हुई थी। 70 के दशक में रॉ का सालाना बजट बढ़ाकर 300 मिलियन कर दिया गया था, जबकि इसके कर्मियों की संख्या कई हजार थी। रॉ पर विदेशी इंटेलिजेंस जुटाने का जिम्मा है। अगर किसी देश के घटनाक्रम का भारत पर असर हो सकता है तो रॉ उस पर नजर रखती है। राष्ट्र हितों के लिए खुफिया ऑपरेशंस को भी रॉ अंजाम देती है। रॉ अलग अलग तरह के ऑपरेशन की मदद से सैन्य, आर्थिक, वैज्ञानिक और राजनीतिक खुफिया जानकारी इकट्ठा करती है। रॉ ने विदेशों में कई अहम ऑपरेशन, जासूसी मिशन और सीक्रेट कम्युनिकेशन नेटवर्क चलाए हैं। इसके लिए रॉ ने भारत के दुश्मनों की गतिविधियों की जानकारी जुटाई है और आपात स्थितियों में महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सेना को भी खुफिया जानकारी रॉ उपलब्ध कराती है। रॉ के प्रमुख रहे अमरजीत सिंह दुलत ने अपनी एक किताब में अपने बॉस रहे M.K. नारायण और अपने जूनियर रहे अजीत डोभाल के बारे में भी जमकर तारीफ की है। बता दें, रॉ एजेंट से लेकर NSA तक का अजीत डोभाल का सफर सनसनीखेज था। ऐसे शख्सियत के कारण ही उन्हें प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक के मास्टरमाइंड वही थे।
ऑपरेशन ब्लू स्टार को अपने अंजाम तक पहुंचाने वाले देश के इस लाल ने 7 साल तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर बिताए, लेकिन किसी को इसकी भनक भी नहीं लगने दी। अगर आप भी रॉ में शामिल होने की सोच रहे हैं तो इसके लिए कोई डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है। इसमें शामिल होने से पहले आपको डिफेंस सेक्टर या फिर इंडियन सिविल डिपार्टमेंट में शामिल होना होगा। इन डिपार्टमेंट्स में अच्छा एक्सपीरियंस लेने के बाद और अच्छा करने के बाद आपको रॉ में भर्ती के लिए एक इंटरव्यू देना होगा, जिसमें पास होने के बाद आप रॉ में भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे। साथ ही कंप्यूटर हैकिंग, स्पेशल वर्किंग स्किल्स, इंटरनेट में स्पीड में आपको महारत हासिल होनी चाहिए। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।